उसे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। देखने में ये दृश्य दो दोस्तों की मुलाकात का हो सकता है, लेकिन इस मुलाकात के पीछे का छुपा दर्द शायद आप नहीं देख पाए। इसके पीछे है एक बहुत ही चालबाज दिमाग, जिसने एक परकट्टी लड़की को अपने पास बुलाकर कर दिया उसे फ्रेंड जोन। वो बेचारी तो ये जानती भी न थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो करती रही प्यार राहुल से, और राहुल तो शॉर्ट स्कर्ट वाली टीना में मगन रहा, लेकिन उसने उसे एक बार भी इस बात का अंदेशा तक नहीं दिया। पर कटी अंजलि को ऐसा सदमा लगा कि वो सीधा रिफत बी के पास जाकर रोई और कहे उसने ये संवाद, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया रिफत बी, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। थोक के भाव में फ्रेंडशिप बैंड्स अपने पास रखने वाला ये राहुल अंजलि के प्यार को लात मार के भाग गया। तो देखा आपने किस तरह से करण जोहर के इमेजिनरी जेवियर्स कॉलेज में आज राहुल ने परकटी अंजलि का दिल तोड़ दिया और पूरे देश से कोई मुंह नहीं खोल रहा। अगर आज किसी ने मुंह नहीं खोला तो पूरे देश की परकटी लड़कियों के साथ ये अत्याचार बढ़ता जाएगा। इस तरिंदे ने बिना सोचे समझे अंजलि को पूरी तरह से फ्रेंड जोन कर दिया। और तो और सुनने में यह भी आया है कि वो टीना नाम की किसी स्कर्ट वाली लड़की से प्यार करता है। सूत्रों की माने तो यह भी पता चला है कि राहुल को चीन ने भाड़े पर लिया है हिंदू सभ्यता की लड़कियों को तहस नहस करने के लिए। ये प्यार है? ये प्यार है? लड़के को फ्रेंड जोन कर दिया बिना कुछ सुने, बिना उसके क्वालिटी देखे, सिर्फ इसलिए कि वो परकट्टी थी? ये क्या तरीका है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा करण जौहर, इस तरह का आपने ये जो सीन है ये क्यों बनाया है? क्या तरीका है ये? कान में बैठ के चिल्ला रहा है, व्हाट इज दिस? ए चुप्पे भड़वी दलाल, गाली दे दे। आपको क्या लगता है मैं आपको गाली नहीं दे सकता? मैं नहीं बोलूंगा। गौर से सोचिए कि आपने क्या किया, और फिर अगर बात करने का मन करे और माफी मांगने का मन करे तो मांग लीजिएगा। चुप्पे भड़वी दलाल, यार ये भी गाली देके चला गया। ये शो बंद करो, नहीं बंद करो मेरा शो। टुनाइट ऑन द न्यूज डिबेट आई हैव अ टॉपिक व्हिच कंसर्न्स द होल कंट्री। ईच वन ऑफ यू नीड्स टू थिंक इफ दिस शुड बी अलाउड और नॉट। परकटी थी तो रिजेक्ट कर दिया राहुल ने, और अब क्यों नहीं बोले देश के नसीरुद्दीन शाह, स्वरा भास्कर? क्यों मुंह नहीं खोली किसी ने भी? परकटी लड़की को फ्रेंड जोन कर दिया। अब कहां है, मैं पूछती हूं, कहां है नसीरुद्दीन शाह, स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप? उसके डिफेंस में आए और कुछ नहीं बोले? चल रहा है ये, क्या कोई कुछ बोलेगी? मैं बताता हूं कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा। आई विल टेल यू द ट्रूथ। कोई इसलिए नहीं बोल रहा बिकॉज दे हैव अ प्रॉब्लम विद मोदी जी। मोदी जी चाय वाले से प्रधानमंत्री बन गई है, इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। राहुल बाबा से सैलरी लेते हैं। तुम तो मेरे से सैलरी लेते हो, तुम तो हटो। राहुल बाबा से चलिए आइए, अब आपको दिखा दूं कि कोरोना के प्रति प्रशासन का क्या इंतजाम है, किस तरह से डॉक्टर्स टेस्ट कर रहे हैं, क्या उन्हें किट पहुंच रहे हैं कि नहीं। आइए इसके बारे में थोड़ी मैं आपसे चर्चा करूं और दिखाऊं कि ऑन ग्राउंड सीन क्या है।